Hi friends, my name is Neelam and welcome back to my channel. So, आज हमारा mission weight loss week 1 खत्म हुआ है. So, मैंने Monday से weight loss journey begin की थी and बहुत ज़्यादा strict diet नहीं की है मैंने क्योंकि बहुत time हो गया ऐसे diet follow किए हुए तो मैं बहुत ज़्यादा strict नहीं होना चाहती थी अपने आप पे. पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने पूरे हफ्ते में क्या किया है, फिर हम अपना weight check करेंगे. सबसे पहली चीज़ जो मैंने eliminate करी थी वो थी sugar, packaged food जो generally मैं नहीं खाती हूँ. आउटसाइड ईटिंग मेरी बहुत हो जाती है तो मैंने वो एलिमिनेट करी थी. सिर्फ एक चीट मील ली थी जिसमें मैंने बर्गर खाया था संडे के लंच पे एंड डिनर में मैंने कुछ हेल्दी खाकर इक्वल कर लिया था. एंड मोर ओवर मैंने कोशिश की कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैंने जिम से नहीं वॉक से स्टार्ट किया. मैं रात को डिनर के बाद आधा घंटा वॉक कर रही थी. सिर्फ मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है. डीटॉक्स में मैं सिर्फ मॉर्निंग में लेमन हनी वाटर ले रही थी एंड रात को सोने से पहले हल्दी का दूध. सो ये था मेरा पूरे वीक का डाइट प्लान. खाने में मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, वही ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड शाम को एक हल्का सा स्नैक. चलिए फटाफट वेट चेक कर लेते हैं एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हम नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं. थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इस वीक ताकि हमारा वेट लॉस ज्यादा हो पाए. सो अब मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ. लास्ट वीक मेरा वेट था 67.1, अभी इट इज 66.4. क्योंकि मैंने 700 ग्राम्स वेट लॉस कर लिया विच इज नॉट बैड क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था. मे बी बिकॉज मैं बहुत टाइम से अनहेल्दी खा रही थी तो थोड़ा बहुत डिटॉक्स ने भी काम कर लिया. मुझे नहीं लगता 700 ग्राम्स कम है. आई नो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट वीक में ही 1 किलो 2 किलो, बट ऐसा नहीं है. वेट लॉस को शुरू होने में भी थोड़ा टाइम लगता है एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिज्म. मे बी मेरा 700 ग्राम्स हुआ है, किसी का 300 ग्राम्स हो, किसी का 400, किसी का 2 kg भी हो सकता है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा आउटसाइड ईटिंग कर रहा है या जंक खा रहा है या अनहेल्दी ईटिंग कर रहा है या फिर शुगर ज्यादा खा रहा था. नाउ हम डिसाइड करते हैं हम इस हफ्ते क्या करने वाले हैं. इस हफ्ते भी हम शुगर ऑब्वियसली नहीं खाने वाले हैं, पैकेज फूड नहीं खाने वाले हैं. आउटसाइड ईटिंग हम कंट्रोल करेंगे, इफ नॉट एलिमिनेट कंट्रोल करना है. पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे 5 to 6 मील्स पर डे हम लें. सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम 5 से 6 बार खाएंगे तो हम बहुत खा लेंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट. आप ब्रेकफास्ट तो करते ही हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, शाम को चाय के साथ आप कुछ ना कुछ लेते हो, ये हो गया 4th, एंड रात को आप दूध पीते हो, वो हो गया 5. सिर्फ एक स्नैक और आपको ऐड करना है जो है ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में, जो होगा हमारा फ्रूट का टाइम. हमको उस टाइम फ्रूट खाना है. मैं बहुत खराब हूँ फ्रूट के मामले में, मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है फ्रूट्स खाना, बट जब मैं डाइट शुरू करती हूँ तो मैं जरूर फ्रूट्स खाती हूँ. तो आई डोंट नो मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, मैं ज्यादा अच्छा खाती हूँ, पर मैं फ्रूट जरूर खाती हूँ जब मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ. मोर ओवर हम डिटॉक्स में कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 कप ऑफ ग्रीन टी जरूर इंक्लूड करें. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स ग्रीन टी ले सकती हैं क्या. इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली ग्रीन टी का एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसको चेकआउट करें, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे ग्रीन टी से रिलेटेड. तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ एजेंडा क्या है वीक 2 का. नो शुगर, नो पैकेज्ड फूड, नो आउटसाइड ईटिंग, ओनली 1 चीट मील, एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट 1/2 आवर इन अ डे. अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, अगर आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप वॉक करें. वॉक से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है. ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, ये आपको वेट लॉस गोल अचीव करने में हेल्प करती है, प्लस आप फ्रेश एयर का बेनिफिट लेते हो. नेक्स्ट चीज हम कोशिश करेंगे 5 to 6 टाइम्स इन अ डे मील खाने की. पोर्शन कंट्रोल करेंगे जितना भी आप अभी खा रहे हो. लाइक अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 3.5 कर दो, 3 खा रहे हो तो 2.5 कर दो, 2 खा रहे हो तो 1.5 कर दो. क्योंकि ये वीक 2 है हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे. आगे चल के हम थोड़ा और स्ट्रिक्ट डिटॉक्स करेंगे, बट इस वीक के लिए इतना ही. मेक श्योर आप हाइड्रेटेड रहें, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिएंगे तो कम से कम आपको भूख लगेगी एंड आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले हफ्ते. एंड आपको मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपके वेट लॉस रिजल्ट क्या थे एंड आप क्या क्या कर रहे हो उसके लिए. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय बाय.